am feeling very, very happy. This is my school. गाड़ी कशी वाटली? बरं वाटली ना? हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने लिया एक न्यू बाइक और जो कि है RX 135. तो ये जो वीडियो होने वाला है आज इसी के रिलेटेड होने वाला है. और आज इसका फर्स्ट टाइम मैं एक राइड करने वाला हूँ, फर्स्ट राइड होने वाला है इस बाइक का. देखिए कल ही उसकी पूजा किया है और आज उसका राइड के लिए मैं निकाल रहा हूँ बाइक को. चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. और ये है मेरी न्यू बाइक, न्यू RX 135. अभी जस्ट मैंने कल ही ली है और आज इस बाइक की फर्स्ट राइड के लिए मैं निकला हूँ. और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आज क्योंकि मैं ये राइड कर रहा हूँ काफ़ी दिनों के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने के बाद मैं राइड कर रहा हूँ बाइक पर मोटर व्लॉगिंग के लिए. तो आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी. और आज का जो राइड होने वाला है वो बाइक के रिलेटेड होने वाला है. और ये बाइक मैंने कल ली है और बाइक कैसी है, उसमें फीचर्स क्या क्या है, वो सब मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ. और अभी मैं जा रहा हूँ मेरी मोस्ट फेवरेट प्लेस इन औरंगाबाद, जो कि पास में ही यहाँ से, वहाँ पे जाकर मैं आपको दिखा दूँगा. और गाड़ी का साउंड जो है, कलर कौन सा है, सब मैं आपको दिखा दूँगा इस वीडियो में. तो चलिए फिर मेरे साथ में इंजॉय कीजिए आप भी राइड. क्या नाम तुमचं? विजय अनुते. हे विजय अनुते, आणि तुम्ही पण या व्हिडिओमध्ये माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, ठीक आहे? येऊन येते मी आता. हां चला. गाडी कशी वाटली? बरं वाटली ना? चला. अक्षय 80 नाही ना? चला. तो यांना तो ये जो थे अभी ऑटो ड्राइवर, तो उनको मेरा बाइक काफ़ी पसंद आया है तो उनको भी अभी आप वीडियो में देंगे. और औरंगाबाद ये है सिटी ऑफ द गेट्स, इसको ऐसे बोलते हैं, सिटी ऑफ गेट्स भी बोलते हैं. और ये है सामने एक गेट जिसका नाम है बारापुल्ला दरवाज़ा. और ये 52 गेट्स में से एक है, ये है बारापुल्ला दरवाज़ा. और है ये है खाम रिवर, अभी पानी आया इसको बहुत सारा. मैं जिस प्लेस पर आया हूँ, जिस जगह पे, ये मेरी सबसे, मतलब ये मेरी स्कूल है एक्चुअली. इसी स्कूल में मैं पढ़ा था, होली क्रॉस मराठी हाई स्कूल औरंगाबाद. दिस इज़ माय स्कूल और ये मेरी स्कूल है और बहुत सी यादें जुड़ी इसके साथ में. और ये मेरी बाइक, तो चलिए चलते आगे. और यही मेरा कॉलेज था सामने, मिलिंग कॉलेज ऑफ आर्ट्स. 11th 12th यहाँ पर किया था मैंने. और इस एरिया में मेरे बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं. और ये आ गया हूँ मैं मेरे फेवरेट प्लेस में, जो कि है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ. और अंदर का जो एटमॉस्फेयर है ना, बहुत बहुत ज़्यादा पीसफुल है, बहुत अच्छा लगता है आप जाने के बाद. खूब छान वाटी ये वाला दो. वाह, ये है मेरा फेवरेट रोड, बढ़िया लग रहा है. गाड़ी देखिए कितनी सीधा है, हैंडल को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है थोड़ी भी. सामने जो आप पुतला देख रहे हैं वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का. इनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ अभी. और ये जो बाइक है वो उन्हीं की वजह से आज, तो इसलिए उनका ब्लेसिंग्स लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था. कैसा पिकअप है बाइक को, बढ़िया ना? तो ये है वो बाइक, अभी इसको मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू देता हूँ, डिटेल में रिव्यू हम बाद में करेंगे. तो ये है 135, 2003 का मॉडल है ये. और इस बाइक में मैंने अभी जस्ट कल ही इसको परचेस किया है. और इसका प्राइस मैं आपको बाद में बोलूँगा जब मैं इसका फुल रिव्यू करूँगा. तो एक शॉर्ट में रिव्यू दे देता हूँ. इसमें जो है आपको एक
इस बाइक में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा और इसके स्पोक व्हील्स हैं जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगे, और पूरे जो मडगार्ड है वो भी क्रोम फिनिशिंग का है, और इसका इंजन है 135 सीसी का जिसको कि बफिंग किया हुआ है, तो अच्छे खासा चमक रहा है वो। और इसका पेंट जो है मुझे काफ़ी पसंद आया, चेरी कलर ही है और काफ़ी चमकता है ये धूप में। अभी मैंने इसको छाव में लगाया इसलिए ज़्यादा चमक नहीं रहा है। और सबसे मेन हाईलाइट जो है इस बाइक में वो है इसका कैटलेटिक साइलेंसर, क्योंकि इस बाइक में जो है वो स्टॉक साइलेंसर ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं क्योंकि लाउड आवाज़ के लिए, बट इसका जो साउंड है कैटलेटिक साइलेंसर की वजह से वो काफ़ी ओरिजिनल है, और ये ओरिजिनल साइलेंसर है जो कि बाइक के साथ आता था 135 के साथ। और पीछे से भी आप जो मिरर्स है वो भी ओरिजिनल गाड़ी में ऐसे ही आते थे ब्लैक कलर के अराउंड में वो है। और एक चीज़ बस दिखाऊँगा आपको मैं, इसका जो स्पीडोमीटर है वो काफ़ी यूनिक है, RXZ का एक्चुअली है ये स्पीड दिखाने के लिए, और ये RPM मीटर है, और काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, और कुछ ऐसा लुक देती है सामने से। और सीट भी इसका नया ही है, ऑलमोस्ट पूरी बाइक नई है, मैंने कल ही ख़रीदी है 18 अक्टूबर 2022 में। आपको साउंड सुना देता हूँ, ऐसा साउंड है इसका जो कि ओरिजिनल साउंड है और काफ़ी अच्छा सुनाई देता है, और ये साइलेंसर की वजह से स्मोक भी काफ़ी कम आता है, तो साउंड के लिए एक लाइक। तो बंद करते हैं अभी। आई होप कि आपको ये साउंड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को। अभी बाइक्स के मैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करता हूँ थंबनेल के लिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज के लिए, तो जो भी मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहता है तो वो कर सकते हो। मुझे जो भी फ़ोटोज़ वगैरह रहेंगे बाइक के वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगा, ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दो, और आपको बाइक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको बाइक कैसी लगी। और आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड सेफ राइड।